मोनोरेल देखने जा रहे हैं जो कि मुंबई की एक स्पेशलिटी है। एक्चुअली मुंबई की ही नहीं, पूरे इंडिया का आप देखेंगे तो अभी पूरे देश में मोनोरेल तो नहीं है। तो मोनोरेल यहाँ पहले शुरुआत हुई है, तो आज हम लोग देखने चल रहे हैं कि कैसे मोनोरेल है। छोटी छोटी बहुत प्यारी सी दिखती हैं और कलरफुल होती हैं, ग्रीन, रेड, पिंक, अलग अलग टाइप की कलर के हैं, और बहुत छोटे से स्टेज में शुरू हुआ है। तो आज हम लोग वही एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं नीचे बाय रोड, तो उसको ऊपर नीचे से देखेंगे कैसा दिख रहा है। ये पहला स्टेशन आ रहा है महाराज गाड़िया चौक, सात रास्ता के पास में ही है। सात रास्ते पहला स्टेशन है, यह सात रास्ता से लेकर चेंबूर तक लाइन है, तो बहुत छोटे से स्टेज में है। तो हम लोग दो तीन स्टेशन बाय रोड जाएंगे और फिर उसके बाद मोनोरेल के अंदर हम लोग जाएंगे। तो ये पहला स्टेशन है, मोनोरेल के आने का वेट करते हैं, और जब मोनोरेल आ जाएगी तो उसके साथ साथ हम लोग नीचे चलेंगे। अभी हम लोग काफ़ी देर हो गया है इसका वेट करते करते मोनोरेल का, अभी तक तो मोनोरेल आई नहीं। कम से कम थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, देखते हैं मोनोरेल कब तक आएगी, क्योंकि हम लोगों को नीचे जाना है, उसको फॉलो करते हुए दो तीन स्टेशन, उसके बाद हम लोगों को मोनोरेल के अंदर जाना है। तो लाओ भाई कुछ खाते हैं। चटनी भी है लो। गाड़ी के अंदर खाना थोड़ा सा मेस जैसा हो जाता है, कंफर्टेबल नहीं रहता, सब गिरता है। ये चटनी है, समोसा, काफ़ी अच्छा समोसा यहाँ पर मिलता है सात रास्ता पर। तो अभी उसका आनंद लेते हैं और वेट भी करते हैं। हम लोग खाने में इतना मशगूल हो गए कि वो भूल गए कि ट्रेन भी, हम यहाँ ट्रेन का वेट भी कर रहे हैं, वो आकर चली भी गई। अब हम वेट कर रहे हैं कि वो रिटर्न कब होगी, रिटर्न होगी तो फिर हम लोग उसको फॉलो करेंगे नीचे देखते हैं, वेट करते हैं। वो ये मोनोरेल आ गई है, अब चलते हैं हम लोग उसके नीचे। उसको फॉलो करते हैं, फॉलो करना मुश्किल है क्योंकि रोड पर तो ट्रैफिक मिल रहा है और ट्रेन का तो अपना एक स्पीड होता है, उसके अकॉर्डिंग वो चले जा रही है। अब हम लोग मिस कर गए उसको, देखते हैं नेक्स्ट स्टॉप पर कैसे मिलती है। अब काफ़ी ट्रैफिक है इसलिए ट्रेन तो आगे गई, ट्रैक भी चेंज हो गया। ट्रैक के ठीक नीचे यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन भी हुआ है, छोटा सा गार्डन टाइप का भी बनाया है, पेड़ पौधे अच्छे बना दिए हैं, तो हरियाली भी हो गई है और ट्रैक के साथ साथ अच्छा लग रहा है। ट्रैक को कलर नहीं किए हैं तो थोड़ा सा उतना मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर पिलर को भी, ट्रैक को भी कलर किए हैं, तो काफ़ी कलरफुल, थोड़ा एंटिक टाइप का बना दिया गया है, लेकिन ये सब नॉर्मल है, सीमेंटेड ही है, इनमें कोई कलर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। मोनोरेल का दूसरा स्टेशन आ गया, लोअर परेल स्टेशन। ये स्टेशन काफ़ी मतलब ऊंचाई पर लेकर बनाया है ना, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है लोअर परेल। चलो अभी चलते हैं नायगांव स्टेशन से, अभी मोनोरेल देखो गई ना, काफ़ी स्पीड लग रहा है, बहुत जल्दी से चली गई। मोनोरेल स्टेशन के पास में आए हैं नायगांव में, अब यहाँ से टिकट लेते हैं और थोड़ा आगे के सफर का। एक्चुअली मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ मोनोरेल देखने के लिए कि कैसी होगी, छोटी छोटी ऊपर से जाएगी तो कैसा दिखेगा। और देखिए ये इसका एंट्रेंस है यहाँ से, मुझे लगता है आगे से लिफ्ट भी है, लेकिन हम लोग ये सीढ़ी चलकर चलेंगे। ओ वाओ, एस्केलेटर देखो, यानी चढ़ना भी नहीं है, आगे की चढ़ाई यहाँ एस्केलेटर से, वाओ। आ जाओ, नॉट बैड। हाँ अभी देखते हैं इसका टिकट रेट क्या है, लेकिन एक्सपीरियंस तो अच्छा है, थोड़ा सा खुला है, बहुत ज़्यादा साफ सुथरा तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक ही है। मोनोरेल स्टेशन के अंदर टिकट देखते हैं कहाँ से मिलेगा। मोनोरेल के स्टेशन पर तो आ गए हम लोग स्टेशन पर, ये मोनोरेल का ट्रैक है, ट्रैक पर देखिए ये ऊपर से दो पहिए हैं और साइड से पहिए हैं इस तरह से। अरे हाँ पीछे ही हैं, टेंशन मत लो आप, हम लोग जंप नहीं करेंगे।
ऐसे छोटी छोटी सी ट्रेन होती है, चार पांच डब्बे होते हैं, तीन ही शायद होता है, तीन ही डब्बे होते हैं, कलरफुल, मज़ा आता है, पैक्ड होता है, हाइट पर है कम से कम, मुझे लगता है आप समझ लीजिए यदि बिल्डिंग के हिसाब से देखेंगे तो कम से कम पाँचवें फ्लोर पर हम लोग इस समय हैं, तो पाँच फ्लोर की हाइट से ट्रेन जाएगी तो सोचिए कितना रोमांचक जैसा होता है। देखते हैं यहाँ से बाहर का ये व्यूज देखिए कैसा, लगभग पूरा साउथ बॉम्बे दिख रहा है आपको यहाँ से। वाओ, एक मोनोरेल आ रही है, कितने डब्बे हैं, तीन हैं, तीन बोगी है, चार है, चार बोगी है, कितनी प्यारी दिख रही है, काफ़ी खूबसूरत, लेकिन पुरानी होने की वजह से थोड़ी सी गंदी जैसी होती है, काफ़ी अच्छी दिख रही है। और नीचे तक काफी नीचे तक है, हाँ काफी नीचे तक उसका है, ये देखो बहुत नीचे तक है, देखो देखो शूट कर, बहुत, अरे अपनी वाली भी आ गई, देखो कलरफुल है ना, एकदम इंटरेस्टिंग है, हाँ मुंबई मोनोरेल देखो आ गई, जंप करते हैं, बैठते हैं, अंदर ही अंदर कनेक्टेड भी हैं। इस पर आ जाओ, इस पर, वाओ। अभी शार्प नीचे देखिए तो कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि चौथे पांचवें फ्लोर से हम लोग ऐसे ही हवा में लटक कर जा रहे हैं। इस ट्रेन से सफर करने का एक अपना रोमांच है, एक बहुत मजा आ रहा है इसमें। देखिए टर्न हो रही है यहाँ से ट्रेन, अभी सामने की तरफ व्यू देखिए, यहाँ पर ये देखो कितना निशान बन गया है, ये दो पहिए होते हैं इसके अंदर और दो बाहर इस तरह से होते हैं, एक ये नीचे का निशान देख सकते हैं, एक उस साइड में ऐसे ही निशान है, तो इसको चलने के लिए ट्रैक पर और साइड से पकड़ने के लिए दोनों साइड में ऐसे छोटे छोटे पहिए लगे हुए हैं, इसका एक पूरा ग्रिप बनकर चलता है। इसके अंदर का एटमॉस्फेयर बहुत प्लीजेंट है, कूल है, एसी है, साफ सुथरा है, बीच में बैठने का जगह है, खड़ा होने का जगह है, काफी अच्छा लग रहा है ये, काफी मतलब आप इसमें ट्रेवल करते समय एक आप समझिए कि एंटरटेन करते हुए आप जा रहे हैं। ये देखिए ड्राइवर का सेक्शन है, यहाँ पर थोड़ी ही जगह मिली है, यहाँ पर बैठे हैं, उनके गियर बॉक्स और उनका डिस्प्ले सारी चीज़ें यहाँ पर उनके ड्राइवर्स के सेक्शन में है, और आगे कांच को देखिए थोड़ा सा शेड भी कर दिया गया और नीचे क्लियर है ताकि वो आगे जो सूरज की रोशनी है उससे बच सकें, और काफ़ी अच्छी स्पीड में ये गाड़ी जा रही है, और एक ट्रैक पर है, बहुत रोमांचक लग रहा है, जैसे लग रहा है कि हम रोलर कोस्टर में बैठे हैं, और बीच बीच में जो टर्निंग है वो रोमांच को थोड़ा बढ़ा दे रही है, और ये नहीं होती तो फिर मुश्किल होता ना, फिर क्या बस से जाना पड़ता या तो दादर उतर कर जाना होता, ऐसा ही होता ना। अच्छा कौन सा स्कूल है तुम्हारा, कौन सा स्कूल, मॉडल हाई स्कूल, हमारे स्कूल की इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहता है, कौन सा स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, काफी कॉन्फिडेंट हो यार तुम, नाइन्थ में हो, क्या बात कर रहे हो, सब नाइन्थ में, सब ये तो साथ में, देखो कितना बड़ा हो गया साथ में, अरे नाइन्थ में, मैं पहली में, नाइन्थ में हो, पहली पहली में, ये पहली वाले को देखो, आ जाओ आ जाओ, चलो चलो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और घंटी भी बजाओ। अभी हम लोग लास्ट स्टॉप पर उतर गए हैं, यहाँ से फिर से टिकट लेकर फिर से मोनोरेल में बैठना पड़ेगा रिटर्न होने के लिए, हम लोग वापस हो रहे हैं, अभी चलेंगे नायगांव चलकर फिर से उतरना है, वहाँ से बाई रोड ऑफिस, ये ब्रिज आगे से एक ट्रैक जिस ट्रैक से आई है दूसरे ट्रैक पर अभी हो जाएगी, ये हर एक टाइम में जब ट्रेन उधर से आएगी तो ये यहाँ से जो ट्रैक है वो चेंज होकर दूसरे में आकर जुड़ जाएगा, तो इस तरह से इसका ट्रैक चेंज करने का एक प्रोसेस है। देखिए यहाँ से ये ट्रैक चेंज हो गया, अभी उधर से आती हुई ट्रेन के लिए ये ट्रैक चेंज होकर उसमें जुड़ जाएगा दूसरे वाले लाइन में,
हाथ से पकड़ कर बैठी है। मस्त है एकदम। अभी जर्नी समाप्त हो गई, हम लोग रिटर्न आ गए। अभी काफी रोमांचक रहा, काफी अच्छा लगा। अभी जर्नी खत्म हो गई, अभी हम लोग उतरेंगे, अभी अगला स्टॉप आने वाला है, तो उतर कर बस अब आगे की तरफ चलेंगे। ये लास्ट स्टॉप नए गाँव आ गए। चलो अब आगे की तरफ चलते हैं। ये पूरी ट्रेन छोटी ही है। हाँ ये देखो दूसरी ट्रेन भी आ गई, देखो काफ़ी अच्छी ना, अच्छी लग रही, क्यूट क्यूट कलरफुल।